मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। आज हमारे शहर में और बुलिया लोकसभा पार्लियामेंट का इलेक्शन की वोटिंग जारी है। मैं मालेगांव शहर की आवाम से और धुलिया लोकसभा हलके की आवाम से अपील करता हूं कि वोटिंग शुरू हो चुकी है, आप लोग अपनी अपनी स्लिप लेकर पोलिंग बूथ पर जाकर, जहां पर भी आपकी स्कूल होगी, जहां आपका बूथ होगा, वहां जाकर आप वोट करिए। मैं शहर की आवाम से अपील करता हूं और मालेगांव शहर के तमाम ही सियासी पार्टियों के वर्करों से, शहर की आवाम से, शहर के नौजवानों से ये अपील करना चाहता हूँ खुसूसी तौर पर कि बीजेपी की ये साजिश हो सकती है कि मालेगांव शहर में सेंट्रल असेंबली हलके में बीजेपी के वर्कर, बीजेपी के लीडरान, शिवसेना के लीडरान आकर स्कूलों के बाहर वोट रोकने का काम, बड़क पत्र पूछने का काम, डिपार्टमेंट में दबाव बनाने का काम, इन्हें हालात खराब हो और वोट परसेंट रोकने का काम कर सकते हैं। तो मैं शहर की आवाम से, तमाम ही सियासी पार्टी के जिम्मेदारान से, वर्करों से, शहर की आवाम से अपील करता हूं कि कोई भी पार्टी का आदमी आइए, उसको भी आज़ादी है, जो उम्मीदवार होगा वो बूथ तक जा सकता है, स्कूल तक आ सकता है, शहर में घूम सकता है, तो उसको उसका काम करने दीजिए इत्मीनान से, पुरमन तरीके से। हम हमारा काम, जो हमारा मकसद है वोट पहुंचाना, वोट डालना, ये करिए, उलझने का काम बिल्कुल करिए नहीं करना चाहिए। उन लोगों को आए तो और उनको इस्तकबाल करिए अच्छे से, लेकिन उनसे उलझना नहीं है, बहस नहीं करना है, तकरार नहीं करना है। नुकसान हमारा होगा, नुकसान उनका नहीं होगा, वो नुकसान करने के लिए आएंगे, हमको अपना नुकसान नहीं करना है। मेरी अपील है शहर की आवाम से, और मैं शहर की आवाम से एक और अपील करना चाहता हूँ, 5 साल परेशान होने से बेहतर है, 5 साल परेशानी उठाने से बेहतर है, 5 साल काले कानून का सामना करने से बेहतर है कि अपना आधे घंटे का वक्त निकालकर पोलिंग बूथ पर जाकर बीजेपी को शिकस्त हो, वोट दे और पंजा निशान पर वोट देकर कामयाब करें।